Hey dear children, yesterday we learned about verbs and also we did an activity which was given in page number 37. So today we are going to do some books exercises which is given in page number 39. So everyone look at your mobile screen and listen to me carefully. तो जैसे कि कल हमने verbs के बारे में हमने पढ़ा था और page number 37 में कुछ activity थे छोटा सा, तो उसको भी हमने पूरा किया था. तो आज हम लोग पेज नंबर 39 में जो एक्सरसाइजेस दिए गए हैं उसको हम लोग आज पूरा करेंगे. ठीक है, तो पूरा तो कर ही लोगे लेकिन आपको वीडियो अच्छे से देखना है क्योंकि हमें बस लिखना नहीं है, सिर्फ भरना नहीं है. ठीक है, भरने के साथ साथ लिखने के साथ साथ हमें समझना भी है, एक्सरसाइज को भी समझा जाता है. ठीक है, समझने के बाद ही आपको लिखना है. तो समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखें. ठीक है, आंसर तो आपको मालूम ही हो जाएगा. तो सिर्फ आंसर मालूम करके लिखना बड़ी बात नहीं है, आपको आंसर का एक एक आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, एक एक लाइन आपको मालूम होना चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ओपन द पेज नंबर 39. तो 39 पेज नंबर में आप देखिए अपने ग्रामर बुक के, तो यहाँ पे है टेस्ट योरसेल्फ. ओके, टेस्ट योरसेल्फ में जहाँ जहाँ बोलूँ वहाँ वहाँ आप ध्यान देंगे, नहीं तो अपने बुक पे बुक खोलते हुए मेरी आवाज़ को सुनते हुए अपने बुक पर देखेंगे. ठीक है, तो नंबर वन, गिव द इंग फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे हमने कल इंग फॉर्म पढ़ा था ना. ठीक है, इंग लगाते हुए जोर के वर्ड में इंग लगाते हुए हमने दूसरा वर्ड बनाया था ना, तो वैसे ही इसको भी आप लोग इन शब्दों को भी आपको बनाना है. ठीक है, तो यहाँ में जितने भी बॉक्स के अंदर यहाँ पे वर्ड दिया गया है इसको इंग जोड़ते हुए आपको बनाना है. लेकिन इंग जोड़ते हुए किसी में डबल, जैसे कि कल मैंने वीडियो पर बताया था, जैसे कि किसी लेटर किसी वर्ड को इंक जोड़ने से पहले आपको डबल लेटर भी लिखना होगा, किसी में ई को रिमूव करके इंक लिखना होगा. ओके, तो देखिए मैं एक एक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और आपने नोट कर लीजिए. इसको आपको कॉपी पे करना है. ठीक है, बहुत लोग वीडियो नहीं देखते हैं और कॉपी पे करने के लिए बोलते हैं, बुक पे करने के लिए बोलते हैं, सुनते नहीं हैं. ठीक है, इसके लिए वीडियो देखना ज़रूरी होता है. तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको एक एक और आपको मेरे कहने के साथ साथ आपको करना है. ठीक है, तो मैं ऊपर से पढ़ूंगा, सीधा लाइन पढ़ूंगा, लेफ्ट से लेके राइट जाऊंगा. ठीक है, एक एक वर्ड. तो सबसे पहले क्या है देखिए आप, हिट हिट है ना, तो इसमें हिटिंग होगा. ठीक है, स्पेलिंग तो पेज नंबर 38 में भी है इसका स्पेलिंग. ठीक है, एच आई डबल टी आई एन जी, हिटिंग. ओके, इसके बाद क्राई का क्या होगा, क्राइंग, सी आर वाई आई एन जी, क्राइंग. ओके, क्लैपिंग, क्लैप का होगा क्लैपिंग, सी एल ए डबल पी आई एन जी. ठीक है, इसमें पी आई एन जी जोड़ा जाएगा. इसके बाद क्लीनिंग, क्लीनिंग में आई एन जी जोड़ेंगे. ओके, इसका सेटिंग में टी आई एन जी जोड़ेंगे, और एक टी लगेगा इसमें, डबल टी होगा. ओके, टी आई एन जी जोड़ेंगे. इसके बाद विनिंग में और एक एन के बाद एन आई एन जी जोड़ना पड़ेगा इसमें. ठीक है, डबल एन हो जाएगा. रिंगिंग में सिर्फ आई एन जी जोड़ेंगे, रिंगिंग. इसके बाद स्माइल में, स्माइल में ई रिमूव करते हुए यहाँ पे स्माइलिंग लिखना है, ई को छोड़ के आई एन जी जोड़ेंगे. इसके बाद फ्लाइंग में आई एन जी जोड़ेंगे, किल में किलिंग हो जाएगा. ठीक है, किल का किलिंग हो जाएगा तो किलिंग में आई एन जी जोड़ेंगे. स्टॉप का स्टॉपिंग हो जाएगा तो पी आई एन जी इसमें जोड़ना पड़ेगा, डबल पी हो जाएगा स्पेलिंग. ठीक है, इसके बाद इन्वाइट में इन्वाइटिंग हो जाएगा, तो इन्वाइटिंग जब बनाएंगे तो ई को रिमूव करते हुए आई एन जी जोड़ेंगे. ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर टू में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द इंग फॉर्म्स. तो यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इसमें इंग जोड़ते हुए आपको लिखना होगा, इस खाली स्थान पे भरना है. ठीक है, तो सबसे पहले होगा जॉन इज रन का होगा, रनिंग. देन सेकेंड, मोहन इज जंप का होगा, जंपिंग. देन थर्ड, तीन नंबर, बर्ड वेयर सिंगिंग, सिंग का होगा सिंगिंग. ओके, द सन वॉज राइज का होगा राइजिंग. द टीचर इज कम का होगा कमिंग. सिक्स नंबर, डोज बॉयज वर प्ले का होगा प्लेइंग. ओके, तो इसको सही स्पेलिंग के साथ आप लिख लें. देन नंबर थ्री, एक्सरसाइज नंबर थ्री में चूज द करेक्ट वर्ड फॉर इच ब्लैंक. तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको कुछ शब्द दिए, छः वर्ड दिया गया है, तो उसके नीचे जो छः सेंटेंसेस है, खाली स्थान है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें आपको भरना होगा, उस ब्लैंक्स में इसमें से सही चुनकर भरना होगा. तो नंबर वन पे क्या होगा, नंबर वन पे द सन वॉज सेटिंग. ठीक है,
सन वाज, इसमें सबसे पहले में सेटिंग होगा, ओके, सूरज डूब रहा था, ओके. देन टू नंबर, टॉम वाज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें राइटिंग होगा, टॉम वाज राइटिंग अ लेटर, लेटर लिखते हैं ना, तो राइटिंग, ओके. नंबर थ्री, वी आर गोइंग टू होम, तो इसमें गोइंग होगा, ओके, वी आर गोइंग टू, हम लोग घर जा रहे हैं. नंबर फोर, द पियोन इज रिंगिंग, रिंगिंग होगा, द बेल, बेल को रिंग करते हैं ना, इसके लिए रिंगिंग होगा इसमें, ठीक है. देन नंबर फाइव, बर्ड्स वर इन द स्काई, इसमें क्या होगा, फ्लाइंग, फ्लाइंग होगा, ओके. नंबर सिक्स, द कारपेंटर, जो लकड़ी का काम फर्नीचर बनाते हैं ना, उसे कारपेंटर बोलते हैं. द कारपेंटर वॉज डैश ए टेबल, तो टेबल को क्या करते हैं, बनाते हैं, बनाने को क्या बोलते हैं, मेकिंग, ओके. दैट्स व्हाई द कारपेंटर वॉज मेकिंग अ टेबल, ओके. इसको आप लोग, इसको आप लोग आज क्वेश्चन नंबर वन को तो बुक पे नहीं करना है, इसको आप लोग कॉपी पे करना है, ठीक है. इसको अपने कॉपी पे लिखना है. जो वीडियो पूरा नहीं देखेगा उसे मुझे मालूम हो जाएगा कि उसने सुना नहीं कि मैंने इसे कॉपी में लिखने को बोला है, ठीक है. तो वो गलती करेगा तब मुझे मालूम पड़ जाएगा, इसके लिए वीडियो पूरा देखना जरूरी होता है. तो इसके लिए नंबर वन आपको कॉपी में लिखना है और बाकी के ये बुक में ही लिख के मुझे फ़ोटो खींच के भेजना है, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू ऑल. टू कंप्लीट द एक्सरसाइजेस ऑफ द पेज नंबर 39 एंड टेक केयर.